Hello students, I am Kritika Pathak from Access Institute, a biology teacher. Today we are going to discuss another topic of life process, that is transportation. In the previous lectures we had discussed about digestion and respiration. We had studied how these food molecules have been broken down into smaller parts, how we derive energy from them. But in this lecture we are going to discuss how these have been transported from one body part to another. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी इंडिविजुअल का ट्रांसफर होना, है ना। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम नेचुरली अपने डे टू डे लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं, जब हम अपना प्लेस चेंज कर रहे होते हैं थ्रू साइकिल, बस, ट्रेन, दीज आर द मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आर रेगुलर एक्टिविटीज। बट बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा ना कि अगर ब्रीदिंग हो रही है, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो उन गैसेस के एक्सचेंज के बदले में ये जो गैसेस लंग्स में ऑक्सीजन आई, वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भी तो ट्रैवल करना था ताकि सबको एनर्जी मिल सके। अगर फूड स्टमक में डाइजेस्ट हुआ है तो वो डाइजेस्टेड फूड या सिर्फ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही नहीं रह सकता, उसको पूरे बॉडी में एनर्जी डिराइव करके उसको ट्रांसपोर्ट करना था। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है थ्रू आउट द होल बॉडी, वो ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड, हम सब उसको जानते हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड। और वी हैड स्टडीड इन क्लास 9 कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यूज की हमने कई सारी कैटेगरीज पढ़ी थी, उसमें से जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है, एंड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ब्लड ही वो टिश्यू है जो कि सारे फूड पार्टिकल्स, या फिर हम कहें जो एनर्जीज हमने डिराइव की थी, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा, या फिर जो गैसियस एक्सचेंज है, उन सब को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, उन सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास 9 व्हाट आर टिश्यूज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अगर याद आ रहा हो तो जस्ट कनेक्ट टू दैट कि कनेक्टिव टिश्यूज में जो फ्लूइड कॉम्पोनेंट था उसको हम ब्लड कह रहे थे, और ब्लड के कई सारे पार्ट्स होते हैं, इन चार पार्ट्स के भी और पार्ट्स होते हैं। बट इन दिस क्लास यू हैव टू स्टडी कि दीज फोर पार्ट्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज फोर पार्ट्स। द फर्स्ट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी कि इफ वी आर कंसिडरिंग कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट मेक्स ब्लड फ्लूइड, प्लाज्मा मेक्स द ब्लड फ्लूइड। ऑलराइट, प्लाज्मा इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वॉटर। सी, 90% ऑफ द वॉटर इज कंटेनिंग इन द प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड। व्हाट मेक्स इट कलरलेस, कलरलेस, वी आर थिंकिंग दैट ब्लड इज अ रेड, ब्लड इज रेड इन कलर, बट व्हाट इज मेकिंग ब्लड रेड इन कलर, द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल इज मेकिंग इट रेड इन कलर, बट द प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट ऑफ मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट, यानी कि सब कुछ सोल्यूबल फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और बाकी जो हमने तीन कॉम्पोनेंट्स पढ़े, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों ब्लड के कॉम्पोनेंट्स प्लाज्मा के ही अंदर इमर्स रहते हैं और वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेड ब्लड सेल। अभी मैंने बताया कि जो ये रेड ब्लड सेल्स है इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज मेकिंग द ब्लड रेड इन कलर। ओके, दे आर द रेड कलर्ड पिगमेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द ब्लड। व्हाट आर दीज व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंफेक्शन एंड डिजीजेस। इसीलिए आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर किसको कहते हैं, जैसे हमारी कंट्री के सोल्जर्स
कौन है जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं। तो WBCs क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर लड़ाई कर रहे हैं फ्रॉम द एनी पैथोजन दैट इज कमिंग इन साइड आर बॉडी। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं लाइक वेरियस वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर वो हमें डिजीज कॉज कर रहा है तो हम उसको पैथोजन बोलते हैं, और उन्हीं पैथोजन से लड़ने के लिए हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी कह रहे होते हैं। नेक्स्ट द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लेटलेट इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा इज प्लेटलेट, ऑलराइट। एंड प्लेटलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जैसे हमने कभी चोट लग गई, इंजरी हो गई, थोड़ी देर ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद अपने आप ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा नोन एज प्लेटलेट, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉगुलेशन ऑफ ब्लड। थोड़ी देर ब्लड फ्लो होने के बाद ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है बिकॉज दिस प्लेटलेट इज हेल्पिंग द ब्लड टू क्लॉट इन द एरिया वेयर कट और इंजरी हैज बीन हैपेंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द हाउ दीज ब्लड सेल्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी। ओके, अभी तक हमने पढ़ा ना कि वेरियस फंक्शंस क्या है, मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। डब्लू ब्लड सेल्स जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो सारे सेल्स रिस्पॉन्सिबल है हमें पैथोजन से, इन्फेक्शन से, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को कॉगुलेट करने के लिए या क्लॉट करने के लिए। तो कहीं पे भी इंजरी हो, दीज प्लेटलेट्स हैव टू मूव टू कॉगुलेट द ब्लड। हाउ दे आर मूविंग, वो कैसे मूव कर रहे हैं, दिस आर वी गोइंग टू डिस्कस। दे आर मूविंग थ्रू वेरियस arteries, veins and capillaries. This is the transport system of our body known as blood circulatory system. क्योंकि इस blood को circulate होना है throughout the whole body to make every material, every gas, every food particle, energy particles and blood cells available for each and every cell. हर cell के लिए ये सारे substances, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, चाहे फिर वो गैसेस हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी है, और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वेसल्स प्रेजेंट है, उन वेसल्स का नाम है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज जो है वो हम ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की थ्रू आउट द बॉडी फ्लो कर रही होती है ब्लड के, ठीक है। दीज आर द ब्लड वेसल, वेसल मीन्स होता है वैसे तो पाइप या कोई बर्तन, ठीक है, बट हमारी बॉडी में जो ब्लड इन वेसल के अंदर है तो दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ यूटेंसिल, दैट इज वाई वी आर सेइंग दीज आर ब्लड वेसल्स। और इसी ब्लड वेसल्स में ये जो तीनों चीजें हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनमें से इनका फंक्शन है कि ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है। अब ये आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वेन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। एंड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज जो है वो थिन फाइबर्स होती है जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स दोनों मिलते हैं, एंड दे एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स इन कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज में ये आर्टरीज, वेन्स और के प्रोडक्ट्स जो है वो दोनों मिल रहे होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स पंप्ड बाय द हार्ट। ओके, वी आर नोइंग दैट हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट पंप्स द ब्लड, एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है, वो वाला ब्लड जो हमने ब्रीद इन किया लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो कैसे बाकी की सेल्स में जाएगा और कैसे सारी सेल्स जो CO2 प्रोड्यूस करें वो हम कैसे ब्रीद आउट करेंगे, ये हमें तभी समझ आएगा जब हम इस
पंपिंग ऑर्गन से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, है ना। वी आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में और ज्यादा एनर्जी इसलिए खर्च हो रही होती है क्योंकि हमारी बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को इवन ड्यूरिंग दीज विंटर सीजन ऑल्सो द बॉडी इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री इनसाइड द बॉडी बिकॉज दिस इज अ एनर्जेटिक प्रोसेस, दिस इज अ एनर्जी इन्वॉल्विंग प्रोसेस। इस बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अब उस एनर्जी इन्वॉल्विंग के लिए हमें ज्यादा एनर्जी भी तो चाहिए ना, यानी कि ज्यादा फूड का रेस्पिरेशन होना जरूरी है। अब रेस्पिरेशन कब होगा, जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए ताकि ये हार्ट जो है वो जैसे ही पंप करे सारे सेल्स में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच जाए। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, जैसे कि प्लांट्स होता है इतना स्लो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, है ना। वी हैव टू मेंटेन अ टेम्परेचर इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज व्हाई वी नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस ऑक्सीजन हैज बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हार्ट। अब देखो, ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया था कि सारी सेल्स रेस्पिरेशन कर रही हैं और रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है ना, रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट अगर आपको याद हो मैंने बताया था फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो ये जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है बाय प्रोडक्ट के थ्रू अगर वाटर है तो वाटर तो हम एक्सक्रीशन में पड़ेंगे, एक्सक्रीट कर देते हैं वाटर। वी ऑल्सो नीड टू एक्सक्रीट दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू गैसियस एक्सचेंज ऑफ आर बॉडी। और उन सारी सेल्स ने जिन्होंने रेस्पिरेशन किया उनकी सेल से ही CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, हर सेल में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है ये कैसे हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट पंप करेगा और हम कैसे ब्रीथ आउट करेंगे, यही हमें समझना है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो सपोज करो सारी सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आने वाली वेसल कौन थी, वेन्स थी। तो ढेर सारी वेन्स मिल करके एक और बड़ी वेन बनाती है जिसका नाम है वीना कावा। अब ये वीना कावा दो टाइप की हो सकती है, एक होती है सुपीरियर वीना कावा, एक होती है इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा जो है हार्ट से ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, शोल्डर्स है, यहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा CO2 सुपीरियर वीना कावा इस राइट ऑरिकल तक लेके आती है। देखो हार्ट इज अ फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है। फोर चैम्बर्ड होने का मतलब है कि उसके पास दो ऑरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स हो रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो ये राइट ऑरिकल है इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, पहले सारा वेन्स लेकर के आ रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ढेर सारी वेन्स इस वीना कावा से मिली, जो ऊपर वाली वीना कावा है हार्ट से ऊपर उसको हम सुपीरियर वीना कावा बोल रहे हैं, और जो लोअर लिम्स और लोअर बॉडी से सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है उसको हम इंफीरियर वीना कावा बोल रहे हैं। तो वी कैन से कि इंफीरियर वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो ये जो वीना कावा है वो ब्लड पोर करती है इस राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो यहां पे आपको एक वॉल्व दिख रही है, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मतलब थ्री कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ब्लड। ये सारा का सारा पहले राइट ऑरिकल जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहता है, और रिलैक्स स्टेट में जब ये रहता है तो ये ब्लड सारा राइट ऑरिकल में आ गया, ये अभी रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। तो ये जब पूरा फिल हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये जो कस्प है ट्राइकस्पिड वॉल से ये वॉल
विंडोज ओपन होंगी और सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो ये जो वॉल्स थी ये क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल अगेन। अब जब ये ब्लड वॉल्स जो है ट्राइकस्पिड वॉल्स जो है वो ब्लड का बैक फ्लो रोकने के लिए क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे एक सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होती है और वो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या कहते हैं, जा करके मिलती है इस पल्मोनरी आर्टरी से। नाउ व्हाट इज दिस पल्मोनरी, पल्मोनरी डिफाइंस द ऑर्गन लंग्स, ठीक है। एंड वी आर नोइंग कि ये जो ये लंग्स है वहीं से तो हमने गैसेस एक्सचेंज करना है, ठीक है। ये एल्कलाइज हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमने ब्रीदिंग में पढ़ा और यही एल्कलाइज के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है और CO2 अंदर जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बट अभी ये डिफ्यूजन लंग्स तक होना है तो एक्चुअल में ही हार्ट से जो लंग्स को जो आर्टरी ब्लड लेके जाए, देखो अभी मैंने पढ़ाया कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मगर जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी इज द आर्टरी दैट इज कनेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स, ठीक है। तो जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वी कैन से इट इज द ओनली ब्लड वेसल और इट इज द ओनली आर्टरी दैट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ठीक। अब वहां पे जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी की डिफ्यूजन के थ्रू सारा लाइंस में कार्बन डाइऑक्साइड आकर हमने ब्रीद आउट कर दिया, ठीक। अब वही ऑक्सीजन जो हमने ब्रीद इन किया था वो भी तो डिफ्यूजन के थ्रू इनसाइड द लंग्स आया। अब इस लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ये पल्मोनरी वेन। अभी मैंने पढ़ाया वेन इज द ब्लड वेसल दैट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट इज पल्मोनरी वेन। तो हम कह सकते हैं कि पूरे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वैसे तो हमेशा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मगर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, और जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है वो पल्मोनरी वेन है। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई तो उसने अपना ब्लड पोर किया इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। अब इस लेफ्ट ऑरिकल में इसने ब्लड तो पोर किया तो उस समय ये बाइकस्पिड वॉल क्लोज रहेगी, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्स थी लेफ्ट और ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल है, तो जब ये ब्लड पोर हो रहा होगा तो ये तब तक क्लोज है जब यहाँ पे पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया, तो ये वॉल ओपन हो जाती है और ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। जब सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो ये बाइकस्पिड वॉल ऑल्सो नोन एज माइट्रल वॉल, ये वॉल क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने के बाद ये फिर से ये एओटा के थ्रू, एओटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है। एओटा फिर स्मॉल आर्टरीज में ब्रेक होता है, आर्टरीज फिर और आर्टरियोल्स में ब्रेक होती है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू कैपिलरीज वेरियस सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द ब्लड इन एंड द वेन वेसल्स गेट्स डू नॉट गेट कंबाइंड विद ईच अदर, है ना। अभी तक हमने पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक दूसरे में ट्रैवल हो रहा है, एक बार राइट ऑरिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस ऑक्सीजनेट हो गया, फिर लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, मगर वो कभी भी मिक्स नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज को एक बार गया दूसरी बार आया, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन दैट अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो
फिर से समझते हैं। सारी सेल्स, ये इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, दीज आर द वेन्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कावा ऊपर वाली बॉडी से और इंफीरियर वीना कावा लोअर लिम्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई कहां पे, राइट ऑरिकल में। ठीक है, ये लिखा हुआ राइट ऑरिकल, यहाँ राइट ऑरिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई, ये वॉल्स क्लोज हुई थी ट्राइकस्पिड वॉल, उसके बाद जब ये सारा ब्लड फिल हो गया तो ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुई, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आया। राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आने के बाद ये सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन हुई और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये कैपिलरी से मिक्स हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा था, दोस कार्बन डाइऑक्साइड दैट वाज एक्सक्रीटेड फ्रॉम एवरी सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वही वाले से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड हुए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिटवीन लंग्स एंड द लेफ्ट ऑरिकल। उसने सारा लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर कर दिया। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर कर रही होगी तो ये बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगी, जब सारा ब्लड पोर हो गया होगा तो ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही पुश किया ये सारा सेमीलूनर वॉल्व के थ्रू होता हुआ एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टरियोल्स और सारी सेल्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया। दिस वॉज अबाउट द डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट देयर आर वेरियस एनिमल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस और इन सारे एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वी हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री थ्रू आउट द होल लाइफ, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही, हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते कि वो ऑरिकल और वेंट्रिकल में गया मिक्स नहीं हो रहा, एक बार मिक्स हो गया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कितना ज्यादा टाइम और एनर्जी बॉडी का वेस्ट हो जाएगा उस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में। इसीलिए तो हमारी बॉडी में अलग अलग चैम्बर्स है, उन चार चैम्बर्स से दो बार ब्लड आ रहा है और जा रहा है, इसीलिए हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो रहा है। बट सिंगल सर्कुलेशन होने के लिए भी फॉर एग्जाम्पल फिश है, फिश के पास लंग्स नहीं है, गिल्स है जिसके थ्रू वो ब्रीथ इन कर रही है, एक ही ऑरिकल है, एक ही वेंट्रिकल है। एक बार ऑरिकल्स ने सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल को दिया, वेंट्रिकल जो है वो गिल्स में गई, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड हो गए, वो बाकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही इनका सिंगल सर्कुलेशन, एक ही बार ये हार्ट में जो है वो ब्लड आ रहा है, उसके बाद लंग्स में गया, फिर ऊपर से दोबारा नहीं आ रहा है। तो उनकी बॉडी में दे डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सो दे डू नॉट रिक्वायर दिस मच ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि ठंडी आने पे या बहुत ज्यादा गर्मी आने पे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले जाते हैं। जो ठंडी में मिट्टी के अंदर जाके छुप जाते हैं उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं, जो गर्मी के सीजन में छुपते हैं उनको हम एस्टिवेशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा, इसलिए मिक्सिंग ऑफ द ब्लड भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एम्फीबियंस में देखिए, ये थ्री चैम्बर हार्ट है, तो दो ऑरिकल्स तो है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया, गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने पंप किया, वो गया लंग्स तक। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो फिर से हार्ट में आया, फिर से वो वेंट्रिकल में मिक्स हुआ, उसके बाद उसने पंप किया तो ये फिर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो ये मिक्सिंग हो रही है, सेम वही चीज इसमें भी हो रही है, रेप्टाइल्स में भी, तो ये जो ये मिक्सिंग हो रही है ना वेंट्रिकल्स में, इस मिक्सिंग की वजह से इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी के कंपैरिजन में कम हो रहा होता है। इसीलिए ठंडी, ऐसा कोई सीजन आता है बहुत ठंडी या बहुत गर्मी, तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, छुप जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, एक डीप स्लीप में चले जाते हैं ताकि इनकी एनर्जी कंजर्व रहे, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी बना ही नहीं पा रहे हैं, एनर्जी बन भी रही है तो वो ट्रांसपोर्ट।
सपोर्ट नहीं हो पा रही है बिकॉज इनका सर्कुलेटरी सिस्टम उतना इन्वॉल्व नहीं है. बट हमारा और बर्ड्स का फोर चैम्बर हार्ट है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज वी डू नॉट हैव अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एकदम सेपरेट रहते हैं इन फोर चैम्बर्स होने की वजह से हमारा ब्लड नहीं मिक्स होता और ब्लड जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है ताकि ये मिक्सिंग ना हो जाए. ठीक है, इसीलिए हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी मिल रही होती है. अब बात करते हैं बच्चा की जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट क्यों हो रही होती है. जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो पूरा का पूरा ब्लड आता था बॉडी में तो जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आता था ये ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाती थी ताकि ब्लड जो है वो वापस से ऑरिकल में आता था तो ये ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाती थी ताकि पहले सारा ब्लड ऑरिकल्स में आ जाए उसके बाद वो वॉल्स ओपन होती थी कि पहले सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आए फिर जैसे ही वेंट्रिकल में पोर होता था बंद हो जाती थी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल. ऐसा ही होता था. तो जो पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हुई जैसे ही सारा वेंट्रिकल से ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया तुरंत ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो क्लोज हुई वही पहला साउंड होता है ऐसा कहो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का. और जब ये रिलैक्सेशन हो रहा होता है जब ये वापस से वीना कावा में और पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में ये ब्लड देती होती है रिस्पेक्टिव आर्टरीज. ठीक है, जो ये राइट वेंट्रिकल हो रहे होते हैं वो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पोर कर दिए होते हैं और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एओर्टा में ब्लड पोर कर देती है. ब्लड पोर करने के बाद यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्स थी वो वॉल्स क्लोज हो जाती है और उनके क्लोज होने के बाद ये जो दूसरा साउंड और ये जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स कर जाते हैं. तो पहला क्या हुआ, पहला हुआ कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है रिलैक्सेशन. इन्हीं दोनों वॉल्स का बंद होना और खुलना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मेक्स हार्ट बीट है ना. जो हमें ये दो साउंड सुनाई देता है लब डब बोलते हैं उस साउंड को. तो जो पहला साउंड है वो इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स के क्लोज होने का है और जो दूसरा साउंड है वो ये सेमी ल्यूनर वॉल्स के क्लोज होने का है. ठीक है, अब बात करते हैं ये ब्लड प्रेशर क्या होता है. द प्रेशर ऑफ द ब्लड दैट इज फ्लोइंग इन आर वेसल्स आर्टरीज भी और वेन्स भी है. ब्लड का वो प्रेशर जिस प्रेशर से हार्ट ने ब्लड को पंप किया है और उसी प्रेशर से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर. द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी इज नोन एज ब्लड प्रेशर. और वो मैक्सिमम प्रेशर जब ब्लड लीव करता है हार्ट को थ्रू एओर्टा है ना, क्योंकि एओर्टा के थ्रू ही तो सारी आर्टरी से ये ब्लड जो है वो फ्लो करेगा. यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्शन फेज जब ब्लड ने हार्ट पंप किया कॉन्ट्रैक्ट किया तभी तो वो सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से एओर्टा में गया. अब वो बाकी की सेल्स में जाएगा थ्रू आर्टरीज. तो ये एओर्टा का मैक्सिमम फ्लो मैक्सिमम प्रेशर जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने पे ये सारा का सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब मैक्सिमम प्रेशर जब हार्ट ने ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट होने के थ्रू ब्लड को पंप किया इनटू द एओर्टा. अब ये डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है जब रिलैक्सेशन फेज में यानी कि जब सारे वेन से ब्लड जो है वो पोर हो रहा है इनसाइड द हार्ट उस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है रिलैक्स्ड फेज में. तो जो रिलैक्स्ड फेज में उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक फेज और उसी फेज का जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. वो प्रेशर जिस प्रेशर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हार्ट के अंदर आ रहा होगा उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. अब ये सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है 80 mmHg. यानी कि जब हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं तो उसको हम 120/80 लिखते हैं. ठीक है, इसका मतलब कि पहले हम सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं और उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं. अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है तो इसका सपोज 80 के बजाय यहाँ पे किसी पर्सन की रीडिंग 90 आ
दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ही कॉमन लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर कह रहे थे। और ये 120 के बजाय अगर सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू सपोज 130 से ज्यादा क्रॉस कर जाती है देन ऑल्सो वी कैन से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। और अगर इससे वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डेविएट करती है ऑन अ नेगेटिव स्केल सपोज 80 के बजाय 60 है और 120 के बजाय 90 है देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर। यानी कि उसके हार्ट उतने अच्छे से पंप ही नहीं कर रहा है कि एओर्टा से जो ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा हो और सारे सेल्स में ऑक्सीजन का जो पहुंचने का रेट है वो बहुत कम होगा। जब ऑक्सीजन ही बहुत कम रेट से पहुंचेगी तो फिर क्या सारी एनर्जी सारी सेल वही सेम रहेगी? नहीं। जो लो ब्लड प्रेशर का होता है उसको हमेशा लेस एनर्जी फील हो रही होती है, लेस एनर्जेटिक वो पर्सन होते हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर काइंड ऑफ डिजीज। ओके, नाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। और ये स्पेक्ट्रोमैनोमीटर जो है उसको क्या करते हैं हम इस तरह से रिस्ट में इस तरह रैप कर लेते हैं एंड देन वी मेजर दिस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट सिस्टोलिक प्रेशर इज। सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर थ्रू विच द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स थ्रू एओर्टा। और डायस्टोलिक प्रेशर वो है जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो रिलैक्स फेस में होता है उसी प्रेशर को मेजर करते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिम्फेटिक सिस्टम। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम भी थोड़ा बहुत सर्कुलेटरी सिस्टम ही जैसा है, पूरी बॉडी में नेटवर्क है, कनेक्टेड है। जो वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में थी उन्हें हम आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज कह रहे थे, यहाँ पे हम लिम्फ वेसल्स कहेंगे। वहां पे ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यहाँ पे लिम्फ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब ये लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ और छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको नोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। अब बात करते हैं कि इस लिम्फेटिक सिस्टम में लिखा हुआ है कि वो सिस्टम जिसमें लिम्फ वेसल्स हो, लिम्फ नोड्स हो, जिसे हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि वो सिस्टम जिसमें आर्टरीज हो, वेन्स हो, कैपिलरीज हो, तो इट इज डिस्क्राइबिंग द ऑर्गन्स दैट इज प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट्स लिम्फ। लिम्फ इज अ लिक्विड, अ कलरलेस लिक्विड, अब दैट फॉर्म्स लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डज दिस लिम्फ contains, ठीक है, what is the function of this lymphatic system? The function of this lymphatic system is to transport the digested fat and larger protein molecules present in the body. उन protein molecules और digested fat को transport करने का काम ये lymph कर रहे होते हैं। Blood circulation भी ले करके आते हैं इनको ये lymph, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो particles इतने बड़े हो कि वो directly ब्लड में नहीं ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड तक फीजिबल करने के लिए दीज लिम्फ परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ऑप्शन है लिम्फ का वो होता है इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने में, बिकॉज लिम्फ में एक सेल होती है जो व्हाइट ब्लड सेल का भी एक कॉम्पोनेंट है, उस सेल का नाम होता है लिम्फोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन और वी कैन से फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, है ना। एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ द डेड सेल हैव बीन ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाय दिस लिम्फेटिक सिस्टम। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सी, जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्टरीज वेन्स लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट थी, वैसे ही प्लांट्स के लिए जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेजेंट होता है और फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेजेंट होता है। वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द रूट्स और रूट्स के थ्रू उसका मूवमेंट अपवर्ड के साइड हो रहा होता है टुवर्ड्स अपसाइड ऑफ द प्लांट। एंड वी से कि ये जो जाइलम है इसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा होता है, वो फ्रॉम डाउनवर्ड टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है। और जो ये फ्लोएम है ये जो डायरेक्शन है इसका बाय डायरेक्शनल होता है। आप यहाँ पे देखो ये जो फ्लोएम का मूवमेंट दिखा रहा है वो एक सर्कुलर फॉर्म में दिखा रहा है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में दिखाने का मतलब क्या है?
सर्कुलर फॉर्म में दिखाने का मतलब है कि जब खाना लीफ में सिंथेसाइज हुआ है ना, हमेशा हम पढ़ते हैं कि खाना तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लीफ में हो रहा है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में हो रहा है, और ग्रीन प्लांट्स तो ऊपर ही है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऊपर ही प्रेजेंट है, तो हमेशा मूवमेंट फ्रॉम अपसाइड टू डाउनवर्ड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब फोटोसिंथेसिस हो रही है लीव्स में, तो वो लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई और उसका मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनवर्ड होगा, दिस इज फॉर श्योर। बट व्हाट इफ ऑटम सीजन में एक भी लीफ नहीं है प्लांट पे, तो भी तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है ना, तो भी तो वो पूरे के पूरे नए सीजन में, नए स्प्रिंग सीजन में उसमें फिर से लीव्स आ जाते हैं। तो हाउ फॉर दिस ऑटम सीजन प्लांट हैज सर्वाइव, जैसे कि हमारे घर में कभी एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, तो व्हाट वी डू, वी कीप दैट एक्स्ट्रा फूड इन द रेफ्रिजरेटर। प्लांट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर, बट व्हाट इफ प्लांट हैज डन फोटोसिंथेसिस ऑन अ पर्टिकुलर डे इन अ लार्जर एक्सटेंट, लार्ज अमाउंट में उसने फोटोसिंथेसिस कर ली, अब प्लांट के पास बहुत ज्यादा खाना बचा हुआ है, उसने सारा ग्लूकोज यूज नहीं किया अपने रेस्पिरेशन में, तो वो भी तो उसको स्टोर करेगा। प्लांट स्टोर करता है ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये स्टार्च जो है वो स्टोर होता है इन रूट्स, ठीक है। मिट्टी जब हम खोदते हैं तो हम हमेशा देखते हैं ना कि हल्का सा ठंडा टेम्परेचर होता है मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर ही तो रूट्स प्रेजेंट है इनसाइड द सॉइल, तो वही सॉइल के अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, और जब ऐसी कंडीशन आती है कि प्लांट इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी फोटोसिंथेसिस, तो उस समय ये जो रिजर्व फूड रहते हैं स्टोर्ड में, वो फ्लूएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं टुवर्ड्स अपसाइड ऑफ द प्लांट, यानी कि स्टेम्स और ब्रांचेस जिनको फूड चाहिए होता है, उस टाइम पे ये रूट से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। तो वी कैन से कि जाइलम का मूवमेंट तो हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड होगा, वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, बट फ्लूएम का ट्रांसपोर्टेशन वो अपवर्ड से डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी हो सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। थैंक यू फॉर दिस क्लास।